इस साल बरसात में हम लोगों ने मूली बोया। मूली जब बोया तो मूली का रेट बहुत ही कम था। अब कम इतना था कि लगने लगा था कि हमें मूली अब मार्केट में बहुत सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा और हमें अच्छा रेट नहीं मिलेगा। और मूली उस समय 100 रुपये का 5 किलो जाता था, और 100 रुपये का 5 किलो हम देते गए, देते देते कंटिन्यू काफ़ी दिन तक देते गए। और हमने 2 शिफ्ट में मूली बोई थी। एक शिफ्ट में मूली हमने बोया था 1 बीघा, और एक शिफ्ट में हमने बोया था आधा बीघा। आधा बीघा मतलब 1 एकड़ में थोड़ा सा कम। तो हमने मूली तो बो दिया, तो अचानक से एक दिन बहुत ढेर सारी बारिश हो गई। अब बारिश हो गई तो उसमें लग रहा था कि कुछ पौधे हमारे ख़राब हो जाएंगे, और पौधे कुछ उसमें ख़राब हो भी गए। अगर एक दिन बारिश और हो जाती तो हमारे सारी मूली ख़राब हो जाती। और मूली का जड़ जो है इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है कि अगर आप उसको पानी में 2 दिन के लिए डुबो कर रख दे तो पूरा का पूरा वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो अगर एक दिन और बारिश हो जाती तो पहली बारिश में हमारी मूली ख़राब हो जाती, जिसमें हमें पूरा का पूरा नुकसान हो जाता। तो उस बारिश से बच गया, और बारिश बंद हो गई तो उसके बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। पौधे पूरे के पूरे मजबूत हो गए, और बरसात के बाद उसमें कीड़े भी लगने लगे। कीड़े के लिए हमने कीटनाशक का छिड़काव किया, और छिड़काव तो लगभग 1 हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। हम दवाओं का उपयोग बहुत कम करते हैं, तो छिड़काव करने के बाद कीड़े कम हो गए, जो कि उसके पत्ते को कम खाने लगे। अब पत्ते भी देखने में अच्छे लगने लगे, और वो मार्केट में फिर से हम उसको बेचने लगे। हमारी मूली ठीक हो गई। उसको बेचते बेचते दूसरे खेत में भी मूली तैयार होने लगी, और तब भी मूली का रेट कम ही था। और जब हमारे दूसरे खेत में मूली तैयार हुई, तब उसके बाद इतना तेज़ बारिश हुई कि पूरे एरिया की सारी जितने लोगों ने मूली बोया था उन सब की मूली पूरी की पूरी बेकार हो गई। एक हमारी अकेले सिर्फ मूली बची, और वो बच इसलिए गई क्योंकि हमारा जो खेत है वो एक नदी है, छोटा नदी कह लें या नाला कह लें, उसके बगल में है। तो वो ढाल है, तो ढाल होता है, जो भी बारिश का पानी आता है वो धीरे से उधर पूरा निकल जाता है, यानी पानी का वहाँ पे ठहराव नहीं होता है। तो इस वजह से पूरी की पूरी मूली हमारी बच गई। और जब सबकी मूली बेकार हो गई तो हमारी मूली बिकना शुरू हुई। उस समय हमने मूली का रेट फिर रख दिया 140 रुपये का 5 किलो, और 140 रुपये का 5 किलो हमने 1.5 महीने तक इतना मूली बेचा कि पूरा का पूरा हमने, जब पूरी मूली बेचने के बाद हमने काउंट किया तो 60,000 रुपये हमने 1.5 महीने में मूली बेचकर सिर्फ कमा लिए। तो अगर ऐसी जगह में कोई फार्मिंग करके पैसा कमाता है तो थोड़ा लगता है कि हाँ, गांव में रह के भी पैसा कमाया जा सकता है, जो रोज़ के जो खर्चे हैं उतने आसानी से वो निकाल सकते हैं। तो आपके पास ऐसे कई ढेर सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगन के साथ काम करते चले आ रहे हैं, तो जितनी भी आपके पास ज़मीन है उसमें 1 साल में कम से कम 3 फसल आप ले सकते हैं, और 3 फसल का आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मूली अगर गांव में रह के अगर 60,000 रुपये वो 1.5 महीने में अगर मूली बेच कर या कोई भी चीज़ बेच कर कमा लेता है, तो ये कम नहीं होता, मेरे ख्याल से बहुत होता है। ठीक है, इससे कम पैसा कमाने के लिए लोग शहर जाते हैं और वहाँ कंटिन्यू रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, और उतना पैसा अर्न हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसका पता भी नहीं चल पाता। परेशानियाँ भी होती हैं, जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जाना पड़ता है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, यहाँ थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है, बॉडी को आराम भी रहता है। तो मूली तो हम लोगों ने बेच कर अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने धनिया का फसल बोई, और धनिया का फसल भी हम लोगों ने लगभग आज के टाइम में बेच लिया है। ये अक्टूबर चल रहा है, अब ख़त्म होने वाला है। तो अब धनिया का हमने 1 बीघे से कम ही था, उसका धनिया कितने का बेचा वो भी हम आपको बताएंगे। ये कंटिन्यू पहले मूली बेचा, उसके बाद तुरंत बाद हमारी धनिया निकलना शुरू हो गई। अब धनिया के बाद हम बेचेंगे, अभी आजकल हमारा अमरूद का सीज़न है, तो अमरूद के बगीचे में ही मैं बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ बहुत ढेर सारे अमरूद हैं हमारे पास, पेड़ हैं, जो अभी इस समय 80 रुपये का 5 किलो जा रहा है अमरूद, और ये पूरा का पूरा मार्च तक चलेगा। हम लोगों ने धनिया कितने का सेल किया और अमरूद कितने का सेल किया,
इसका वीडियो अभी मैं इसके बाद बनाऊंगा और पूरा का पूरा मैं डिटेल्स आपको शेयर करूंगा। और हम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं। प्याज की नर्सरी जब हमने तैयार की थी तो यहाँ कोई नहीं उसको सेल करता था, ना उसके कस्टमर होते थे। प्याज की नर्सरी धीरे तैयार धीरे तैयार करते करते इतने ढेर सारे कस्टमर हो गए, अब कई लोग प्याज लगाने भी लगे हैं। तो हम सारी का सारी डिटेल आपको शेयर करते रहेंगे। और फिलहाल ये वीडियो अभी ये मूली के लिए हमने बनाया है कि इस साल हमने मूली बेचकर कितना कमाया है, तो उसमें लागत बहुत कम आती है। आपके पास अगर 1.5-2 बीघा खेत है तो आप उसको उपयोग कीजिए, ना कि साल भर में एक फसल लीजिए, 2 फसल 3 फसल आप उसमें डालिए। वर्मी कंपोस्ट का उसमें प्रयोग करिए, ना कि खाद वगैरह का ज़्यादा मत करिए, गोबर की खाद का करिए, रासायनिक खादों का कम करिए, तो आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा।